Hare Krishna, all my dear students. In our previous English class, we have read first two paragraphs of the poem Early to Bed. हमने Early to Bed rhyme के poem के first two paragraph read किए थे. I hope आप सबने घर पे practice की होगी. So let us start from its third paragraph. अभी मेरे साथ रीड करने की प्रैक्टिस करिए. जी ओ गो, टी ओ टू, बी ई डी बेड, ई ए आर एल वाई अर्ली, एन ओ नो, पी ए आई एन एस पेंस, पी ए आई एन एस पेंस. पेंस माने क्या होता है? दर्द. ओ आर और I double L S ills. Ill मने क्या होता है? बीमार होना. G O go, T O two, B E D bed, L A T E late, go to bed late, D O C T O R S doctors, A N D end, P I double L S pills, p i double l s pills. pills माने क्या होता है? tablets. go to bed early, no pains or ills. बच्चों, poet कहना चाहते हैं कि जब आप जल्दी सो जाते हैं तो आप बीमार नहीं होते हैं. जल्दी सोने से आप बीमार नहीं होते हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता है. go to bed late, जब आप देर से सोते हैं, डॉक्टर्स एंड पिल्स, तो क्या होता है? आप बीमार हो जाते हैं. इल मीन्स होता है बीमार होना. तो जब आप देर से सोते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. जी ओ गो, टी ओ टू, बी ई डी बेड, ई ए आर एल वाई अर्ली, गो टू बेड अर्ली. G R O W grow, G R O W grow, grow means क्या होता है? बढ़ना. V E R Y very, T A double L tall, tall माने क्या होता है? लंबा. G O go, T O two, B E D bed, L A T E late, go to bed late. S T A Y stay, S T A Y stay, stay means रहना. V E R Y very, S M A double L small, small माने क्या होता है? छोटा. Go to bed early, grow very tall. जब आप जल्दी सोते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को आराम मिलता है और आपका शरीर बढ़ता है, ग्रो करता है. आप ग्रो करते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, लंबे होते हैं आप. गो टू बेड लेट, और जब आप देर से सोते हैं, स्टे वेरी स्मॉल, तो क्या होता है? आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, आप छोटे रह जाते हैं. तो बच्चों, आपकी ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है ये. तो इसे आप रीड करिए. आइए इस लेसन के हम वर्ड मीनिंग, जो नए वर्ड्स हमने इस पोयम में लर्न किए हैं, उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं. W A K E wake, wake means be awake. wake माने होता है, हिंदी में हम बोलेंगे उठना या जागृत रहना. R E A D Y ready, ready means set up. हिंदी में क्या कहेंगे हम? तैयार होना. M O P E mop, M O P E mop, mop means laziness, यानी आलस. P A I N S pains means physical hurt, शारीरिक दर्द. दर्द होने को क्या कहते हैं? पेन होना. ओके. P I double L S pills, pills माने होता है टैबलेट्स. जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको टैबलेट्स देते हैं ना, उन्हें कहते हैं पिल्स. S T A
Why? Stay. Stay means halt. Stay माने रहना. Okay? तो बच्चों आपको इस लेसन को, इस राइम को अच्छे से रीड करना है. रीड करने की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और साथ ही इस लेसन के आपको वर्ड मीनिंग अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में लिखने हैं. ठीक है, आप चैप्टर वन मेंशन करेंगे, चैप्टर वन अर्ली टू बेड, और उसके वर्ड मीनिंग उसके अंदर आप नोट डाउन करेंगे. ओके, हरे कृष्णा, इंजॉय योर डे.